गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर टूल हाउ वी मूव अराउंड हम अपने चारों ओर कैसे मूव करते हैं इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट लैंड पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं हवा में चलने वाले और पानी पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्टेशंस डू यू रिमेंबर इन ट्रांसपोर्टेशन पिक्चर ए आर गोइंग टू बस They are going by dash. Now we have to write here bus B U S bus. They are going by a bus. In picture B, Ria is sailing in the sea. Ria is sailing in the sea. C is sailing using a ship. Kiska use Ship ka. S H I P. Ship. Now start our chapter. We travel from one place to another place by different vehicles. सच एज़ बाइसिकल स्कूटर कार बस और ट्रेन इट इज सी वी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं अलग अलग व्हीकल्स में मतलब कि अलग अलग हमारे पास ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं सच एज बाइसिकल मतलब साइकिल स्कूटर कार बस और ट्रेन दीज थिंग्स विच हेल्प अस टू मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये चीज़ें क्या करती है हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करती है और ये क्या कहलाती है ट्रांसपोर्टेशंस कहलाते हैं लेटस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डिटेल्स चलो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं सो अवर फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट फर्स्ट इज़ बाइसिकल अ बाइसिकल इज़ अ गुड वे टू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस बाइसिकल क्या होता है गुड होता है ठीक है छोटी सी डिस्टेंस के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाने के लिए हमें थोड़ी सी दूर जाने के लिए बाइसिकल्स क्या है गुड जो है ट्रांसपोर्टेशन है ओके सेकेंड इज अ कार अ कार इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इट कैरीज फोर और फाइव पीपल ये क्या है मोस्ट पॉपुलर मतलब कि सभी के पास हो सकती है ठीक है और ये क्या करता है फोर और फाइव पीपल्स को कैरी करता है इसके अंदर हम फोर और फाइव फाइव पीपल्स बैठ सकते हैं नेक्स्ट इज अ स्कूटर और मोटरसाइकिल स्कूटर या मोटरसाइकिल स्कूटर और मोटरसाइकिल कैरीज वन और टू पीपल स्कूटर पे कितने टू या थ्री लोग सॉरी वन और टू पीपल्स हम बैठ सकते हैं ऑन द स्कूटर्स बस नेक्स्ट इज अ बस अ बस कैरीज मैनी पीपल ऑन फिक्स्ड रूट फॉर एग्जाम्पल अ स्कूल बस ब्रिंग्स चिल्ड्रन टू स्कूल बस क्या करती है बहुत सारे लोगों को ले जाती है एक फिक्स्ड रूट होता है मतलब कि फिक्स जगह पर हो ले जाने के लिए बस होती है एग्जाम्पल जैसे कि स्कूल बस होती है स्कूल बस क्या करती है बच्चों को ले जाने का काम करती है नेक्स्ट इज अ ट्रक अ ट्रक कैरीज लोड्स ट्रक क्या करता है? हैवी लोड्स मतलब कि भारी सामान को ले जाने का काम कौन करता है ट्रक करता है सो ट्रक इज अ ट्रक कैरीज हैवी लोड्स ट्रक क्या करता है हैवी लोड्स को कैरी करता है नेक्स्ट इज अ ट्रेन और ट्रेन रंस ऑन रेलवे ट्रैक इट कैरीज पीपल एंड गुड्स टू लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेन क्या करती है बहुत सारे लोगों को ले जाने का काम करती है हम ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं एक साथ ठीक है और ये क्या करती है लंबी डिस्टेंस पर ले जाने का काम करती है लंबी डिस्टेंस के लिए किसका यूज़ किया जाता है ट्रेन का यूज़ किया जाता है डू यू नो अर्ली ट्रेन डिपेंडेंट ऑन रोड और हॉर्सेस पहले कहाँ पर सॉरी रूप्स और हॉर्सेस पहले ट्रेन कहापेंडेंट थी हॉर्सेस और रूप्स पर डिपेंडेंट थी सो लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं बाइसिकल्स कार स्कूटर मोटर स्कूटर मोटरसाइकिल बस ट्रक एंड ट्रेन दीज आर द लैंड ट्रांसपोर्ट ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट इज टाइम टू आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन अ डैश ब्रिंग्स चिल्ड्रेंस टू स्कूल कौन स्कूल ले जाता है बच्चों को बस अ डैश हैज टू व्हील्स टू व्हील्स किस में होते हैं ट्रक और स्कूटर में स्कूटर में अ डैश कैरिज हैवी लोड्स हैवी लोड्स कौन ले जाता है ट्रक अ डैश रन ऑन द रेलवे ट्रैक रेलवे ट्रैक पर कौन होता है कौन दौड़ता है ट्रेन नेक्स्ट इज अ एयर ट्रांसपोर्ट अब हवा में चलने वाले वाहन कौन से होते हैं फर्स्ट इज अ एरोप्लेन हैव यू सीन एरोप्लेन आई होप ऑल ऑफ यू हैव यू सीन एरोप्लेन एन एरो फ्लाइज इन द स्काई एरोप्लेन कहाँ पर उड़ता है आकाश में उड़ता है इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इट कैन कैरी मैनी पीपल एट अ टाइम ये एक बार में बहुत सारे लोगों को ले जाने का काम कर सकता हैलीकॉप्टर नेक्स्ट इज अलीकॉप्टर हैलीकॉप्टर ऑल्सो फ्लाइज इन द स्काई और हेलीकॉप्टर भी क्या होता है फ्लाइज में सॉरी oh स्काई में फ्लाई करता है इट इज़ नॉट एज फास्ट एज एन एरोप्लेन इट कैन कैरी फ्यू पीपल एट अ टाइम ये एरोप्लेन की तरह तेज नहीं उड़ सकता है लेकिन ये क्या कर सकता है ये भी एक ही समय में थोड़े से लोगों को ले जा सकता है लेटस डू कट अ पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एन एरोप्लेन एंड अ हेलीकॉप्टर इन द बॉक्सेस गिवन ब्लो आपको पिक्चर पे कट करके पेस्ट करना है यहाँ पर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन की सो दिस इज़ योर होमवर्क 19th of November 2020. Okay. Next is a time to answer. Name the means of air transport. It carries many people and flies very fast. Very fast ko hai? aeroplane. So we will write here A E R O P L A N E aeroplane. It carries few people and flies slower. So this is helicopter H E एल आई सी ओ पी टी ई आर हेलीकॉप्टर ओके हेलीकॉप्टर नेक्स्ट इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट अब पानी में चलने वाले वाहन कौन से होते हैं फर्स्ट इज अ सेल बोट और सेल बोट यूजेज वाइंड पावर टू मूव ऑन वाटर सेल बोट क्या करती है हवा का उपयोग करती है हवा मतलब इसको वाइंड पावर की ज़रूरत होती है पानी पर मूव करने के लिए एक पानी पर इधर से उधर मूव करने के लिए शिप अ शिप इज़ अ लार्ज बोट ये क्या होता है बड़ी बोट होती है इट कैन ट्रेवल एकरोस सी एंड ओशंस इट कैरीज पीपल एंड गुड्स टू डिस्टेंस प्लेसेज ये क्या होता है समुद्र और ओशियंस में क्या करता है ट्रेवल करता है और ये बहुत सारे लोगों को लंबे डिस्टेंस पर पहुँचाने का काम करता है दिस इज अ शिप स्पीड बोट अ स्पीड बोट इज स्मॉल बट इट ट्रेवल वेरी फास्ट स्पीड बोट क्या होती है छोटी होती है लेकिन यह कर, क्या करती है बहुत फास्ट ट्रेवल कराती है नाउ टाइम टू आंसर नेम फॉलोइंग आई यूज़ वाइन टू मूव ऑन वाटर हवा का यूज़ कौन करता है वाटर पर मूव करने के लिए सेल बोट एस ए आई एल बी ओ ए टी बोट सेल बोट आई एम अ लार्ज बोट एंड मूव अक्रॉस सीज लार्ज बोट कौन सा होता है शिप की टर्म्स ट्रांसपोर्ट अ सिस्टम फॉर कैरिंग पीपल ऑफ़ गुड्स फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस ट्रांसपोर्ट क्या है सिस्टम है जो क्या करता है लोगों को कैरी करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफरेंट वे यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अलग अलग यूज होते हैं ट्रेवल्स के जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ओके स्टूडेंट सो यू चैप्टर इज क्लोज ओके